तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर रेलवेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा परियोजनाएं चलाई जा रही है, जो कि इन फ्यूचर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के ज़माने का बना देगा, जिसमें हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से लेकर बुलेट ट्रेन के नेटवर्क तक सब कुछ शामिल है। अब अगर स्पेशली बुलेट ट्रेन की बात की जाए, तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए भारत द्वारा करार किया गया है जापान के साथ। जापान से जहां पर भारत के लिए बनकर ट्रेन आएंगी, तो वहीं पर इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है, जो पटरियां डालनी हैं और इनसे संबंधित बाकी के जितने भी काम करने हैं, वो भारत द्वारा किए जा रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिले हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बीच में कोविड पेंडेमिक हमें फेस करना पड़ा, काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां थी, सप्लाई चेन वगैरह रुक गई थी। इन सब चीज़ों की वजह से इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक डिले देखने के लिए मिला। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि 2026 में इसके ट्रायल रन शुरू करवा दिए जाएंगे, ये लक्ष्य लेकर चला जा रहा है, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा रहा है। पिछले अगर कुछ वीडियोस की अगर बात की जाए, जिसमें मैंने आपको बुलेट ट्रेन परियोजना संबंधित जो अपडेट दिए थे, इनमें हम लोगों ने मोस्टली डिस्कशन किया था बीच में आने वाली टनल्स को लेकर। कुल 24 किलोमीटर लंबी टनल्स आने वाली है, जिनके ऊपर भी काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी टनल निर्माण मशीनें डिप्लॉय कर दी गई है, जिनकी संख्या 20 बताई जा रही है, और टनल्स का निर्माण काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। इसके अलावा वायाडक्ट की बात की जाए, तो उनके ऊपर भी अप्रत्याशित रूप से काम किया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज अभी और बाकी है, और वो चैलेंज है पुलों का निर्माण करना। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बीच में जितनी भी नदियाँ आती है, इन सभी के ऊपर ब्रिजेस वगैरह बनाए जाएंगे, साथ में एक ब्रिज बनेगा अरेबियन सी के ऊपर। तो इन सब को लेकर चैलेंजेस हमारे सामने काफ़ी लंबे चौड़े थे, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो काफ़ी संतोषजनक आ रही है, और इस मामले में भी भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या आ रही है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हाई स्पीड रेल नेटवर्क कॉरिडोर जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसके ऊपर काम काफी ज्यादा तेजी से किया गया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो ये है कि पिछले एक ही महीने में बीच में आने वाले कुल 3 ब्रिजेस को सफलतापूर्वक बना लिया गया है। जी हाँ, केवल एक ही महीने में नदियों पर 3 ब्रिजेस बनाए गए, ये अपने आप में एक अलौकिक काम दिखाई देता है। और इससे पहले की अगर बात की जाए, तो पिछले 6 महीनों में इन 24 में से 4 पुलों का निर्माण किया गया, जिनमें से 3 तो एक ही महीने में बन चुके हैं और एक चौथा पहले बना लिया गया था। तो इस तरह से 4 पुलों का निर्माण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि नदियों के ऊपर ये जो 24 ब्रिजेस बनाए जाने हैं, इनमें से कुल 20 बनेंगे गुजरात वाले हिस्से में, तो 4 बनेंगे इनमें से महाराष्ट्र वाले हिस्से में। और इन 24 में से जो सबसे लंबा ब्रिज होगा, उसकी लंबाई होगी 1.2 किलोमीटर, जो कि नर्मदा नदी पर बनने जा रहा है, डेफिनेटली गुजरात वाले हिस्से में। हालांकि नदियों के बाद अगर समुद्र की बात की जाए, तो इसमें सबसे लंबा ब्रिज बनना है, जो कि महाराष्ट्र वाले हिस्से में बनेगा, और जिसकी लंबाई रहेगी 2.28 किलोमीटर। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि काफी जल्द इसे भी कम्प्लीट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में काफी ज्यादा तेजी से काम किए जा रहे हैं, जो काम भारत के हिस्से में आया है, और इनको करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह और जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो जापान द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। बाकी ट्रेन्स का निर्माण जापान में होना है, वहीं से बनकर आएगी, तो वो लोग भी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।